तो लो जी भाई, हम चल चुके हैं ऊपरवेरा से पहाड़पुर की ओर और टाइम ना लगभग लगभग 10 से ऊपर हो चुका है यारो। और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहां पर, एंट्री देता है या नहीं, आप लोगों को जरूर बताएंगे हम। एंट्री देगा ना तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर देखें अंत तक। और अपना तिरंगा देख रहे हो कितना शान से फहरा रहा है, ये देखो दोस्तों। जब हम जा रहे थे तो एक कांड हो गया भाई, आज कोई आदिवासी लोगों का कोई पूजा है ना अंकल? पूजा है और क्या है वो अंकल ही बताएंगे। और उसके कारण आज मैं ना पेड़ लगा सकूंगा, ना ही आप लोगों को मैं पहाड़पुर ले जा सकूंगा, सीधा मैं रायरंगपुर के लिए निकल रहा हूँ। उसके कारण क्या है वो अंकल ही बताएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज के दिन ना ही मिट्टी क्या क्या वो अंकल ही बताएंगे। अभी मैं उन अंकल से मिलवाता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यही नर्सरी से मैं ले गया था पौधा, आप लोगों को पता होगा, और वहीं पर मेरा साइकिल। क्या है अंकल आज जो पेड़ उड़ नहीं लगा सकते इधर? पूजा है। कौन सा पूजा है, नाम बता सकते हैं? तो नाम बोले हम इधर तो हाँ अपना लोकल नाम ही बता सकते हैं। पूजा बोले आषाढ़ी पूजा, आषाढ़ी पूजा होगा ना। हाँ उसी ने तो इस कारण आज कल क्या हो, मतलब इधर क्या होता है उसके कारण? पूजा होता है उधर तो गांव में, पूजा होता है ना गांव में होता है ना, तो उसके कारण मतलब एरिया तो सरजमली है ना। हाँ उसका बात नहीं है, मतलब उस गांव के अंदर जितना भी एरिया आता है उस हाँ। दिन क्या होता है उस दिन, मतलब ये पेड़ पौधा क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, माटी टारने का नहीं, मतलब माटी टारने का काम नहीं करता है उस दिन ना। ना ना वो खोदना है, ना लगाना है, ना कुछ करना है माटी को उस दिन, है ना। दोस्तों देखिए ये लोग बता रहे हैं, आप लोग भी उसी जनजाति से आते हैं ना? आप लोग नहीं आते हैं ना? अच्छा मातो लोग हैं, मतलब कुर्मी। मेरा घर तो दरभंगा बिहार है, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ साइकिल से ऑल इंडिया, पूरा भारत भर में साइकिल यात्रा। अपने राष्ट्रपति जी के गांव आया था, राष्ट्रपति जी के गांव में मैं पेड़ उड़ लगाया। आप लोग कहीं देखे होंगे हमको इधर जाते वक्त, कभी तिरंगा लेके मैं जा रहा था ना। तो लो जी भाई आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया यार। मैं बड़ी सोच समझ के आया था जो आज जाएंगे अपने राष्ट्रपति जी के गांव की ससुराल, लेकिन सारा टेंशन हो गया भक्त तेरी यार। तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना यारो, क्योंकि मैं वहां पर जाऊंगा तो वो रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब स्कूल है, वहां पर बिना मैं जाऊंगा तो मुझे एंट्री देगा नहीं। और दूसरा है जब मैं पेड़ लेके जाता तो ज़रूर मुझे एंट्री दे देता। और उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, फिर रिटर्न होके आना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा थाना में एंट्री कराने, तो नहीं हो पाएगा ना। और देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो पेड़ सब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, ये भैया लोग काम कर रहे हैं, उस दिन भी काम कर रहा था। Thank you.